Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms. इस केस में हम लोग फंडामेंटल्स के चैप्टर कर रहे हैं और उसमें पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स के फॉर्मेट के बारे में पढ़ रहे हैं. पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हम कर रहे हैं. तो ए सेपरेट कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच इंडिविजुअल पार्टनर. अलग अलग होता है सेपरेट, हर पार्टनर के लिए अलग. इफ देयर आर फोर पार्टनर्स इन ए फर्म देन वी हैव टू प्रिपेयर फोर कैपिटल अकाउंट्स सेपरेटली, हर किसी के लिए अलग अलग. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन यूजुअली ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड. इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, अगर कुछ बताया नहीं है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन. क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ दीज अकाउंट्स आर शोन इन द लायबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट. क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ दीज अकाउंट्स आर शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस दिखाया जाता है बैलेंस शीट में. एंड क्लोजिंग डेबिट बैलेंसेस ऑफ दीज अकाउंट्स आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल का तो एसेट साइड में दिखाते हैं. अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के, कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस को. द स्पेसिमेन, इसका फॉर्मेट, द स्पेसिमेन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ टू पार्टनर्स ए एंड बी विद कंटेंट्स कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टू वेज. दो तरीके में हम करा सकते हैं. व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंशन्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेंशन्ड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. जबकि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, दोनों तरीके में. ये होता है ए पार्ट. और बी तरीका क्या होता है? बी तरीका में लाइक द आइटम्स लाइक सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते नहीं है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखते हैं. दो तरीका, तो मैं आपको हर एक तरीके के बारे में बताऊंगा. स्पेसिमन फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स. तो फर्स्ट ए पार्ट देखो. व्हेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर मेंशन्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंशन्ड इन द पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं. तो ये फॉर्मेट है डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स. इसमें देखो ए का एक बना दिया कैपिटल अकाउंट, दिस इज कैपिटल अकाउंट ऑफ ए सेपरेट. और बी का ये देखो, बी का ये सेपरेट बी, दो हो गया. डेबिट क्रेडिट रुपीज सिंबल ये सब दे दिया. अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय कैश और बैंक, ए बी में अमाउंट लिख देंगे. अगर बिजनेस पुराना है तो दे मे हैव ओपनिंग बैलेंस, तो दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस. अगर पार्टनर के पैसे फार्म है दे विल हैव ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस. अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस के लिए. पुराने बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट साइड में आएगा. एसेट साइड में है तो डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड में आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन. पार्टनर ओपनिंग बैलेंस कुछ हो, बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर उन्होंने कुछ पैसे लेकर बीच में आए तो बाय, अगर बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट. फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर उन्होंने बीच में पैसे डाले, जर्नल एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल बीस कैपिटल. मैंने खाली कैश लिखा, अगर चेक में लाएगा तो बैंक कर सकते हैं. अगर ड्रॉइंग कर देंगे, पार्टनर बीच में पैसे निकाल लिए, तो डेबिट साइड में होता है एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट.
यू कैन से टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट, दोनों चलेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर देन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे जोड़ेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सैलरीज, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफेन कमीशंस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफेन प्रॉफिट्स, एवरीथिंग विल कम थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जबकि यही चीजें अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे नहीं, तो सीधी सीधी आ जाएगा फॉर्मेट टू में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और टू लॉसेस। ये देखो, और यही चीज अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंशन करते हैं, क्योंकि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, दैट केस ये टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हाइफेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाइफेन लॉसेस, अगर लॉस हो गया तो ये दोनों एंट्री होगा, ये ऐसे होता है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सब में होता है। और इस केस में अगर ये साइड बड़ा होता है, अगर टोटल करेंगे, अगर डेबिट साइड बड़ा हो गया, तो इसको यहां लिखेंगे सारे आइटम्स माइनस करके बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, दिस इज क्लोजिंग डेबिट बैलेंस निकलेगा। इसको बैलेंस शीट अगर बना रहे हैं तो एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे ये वाला, बट यूजुअली कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होता नहीं है, हो भी सकता है। तो क्रेडिट साइड टोटल करेंगे इस साइड को, इसको उतारेंगे डेबिट साइड में, इधर उतारेंगे, और इसमें डेबिट साइड का सारे आइटम को माइनस करके विल बी फाइंडिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये भी बना सकते हो, दिस इज वाया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और दूसरा होता है कि आप डायरेक्ट बना सकते हो, डायरेक्ट ऐसे एक तो ये बना सकते हो, नहीं तो ये बना सकते हो। व्हेन द आइटम्स लाइक सैलरीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने कैश अकाउंट कैपिटल से इंट्रोड्यूस्ड, जो कैपिटल डाला है वो आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंसेस आएगा, बाय कैश अकाउंट फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आएगा, अगर बीच में पैसे डाला तो, ये तीनों अलग होता है। बाकी ये जो तीनों है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, और डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और लॉसेस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, वहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, वहां पे भी लिखा होगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, टू सैलरीज, टू कमीशन, टू प्रॉफिट्स, एंड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड बाय लॉसेस इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस आपको पता है, बताया था, वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आएगा, ये पहले बैलेंस शीट में एसेट में अपियर कर रहा होगा। अगर पार्टनर बीच में कुछ पैसे निकाल लेता है अपने खर्चे के लिए, तो यू कैन राइट डाउन टू कैश और टू ड्रॉइंग्स, बोथ आर करेक्ट। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है, तो आपका आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस, दिस इज द डिफरेंस एंड द बैलेंसिंग फिगर दिस बॉक्स, देन बाय क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग डेबिट बैलेंसेस। अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो गया, इफ दिस साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, तो इसको पहले टोटल करेंगे और इसको क्रेडिट साइड में उतारेंगे, इसमें सारे माइनस करके ये दोनों चीजें निकाल लेंगे, ये जो बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, दिस इज द बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दिस इज क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। ये क्लोजिंग डेबिट बैलेंस को निकाल के हम प्रोसीड करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन, दिस इज ऑल अबाउट। अगर हमें अच्छी तरह
कोई भी चीज पढ़ना है तो फॉर्मेट कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ना है एंड देन वी शुड प्रोसीड. दिस इज ऑल अबाउट आवर माय एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. एंड अगर आपको अच्छा लगा और समझ में आया वीडियोज तो मेरे वीडियोज को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए. कीप ऑन स्टडिंग.